चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां अब छतरपुर से खबर मिल रही है, जहां राजनगर से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नाती राजा के करीबी सलमान की हत्या के मामले में परिजनों ने धरना खत्म कर दिया है। आरोपियों की गिरफ्तार की मांग को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने परिजनों के साथ खजुराहो थाने के बाहर धरना दिया था। वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का कहना है कि पुलिस अधीक्षक अमित सांघी से आश्वासन मिलने के बाद धरना खत्म किया गया और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो दोबारा आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नाती राजा ने बीजेपी प्रत्याशी अरविंद पटेरिया पर गाड़ी से कुचलने का आरोप लगाया है। इस मामले में खजुराहो पुलिस ने बीजेपी प्रत्याशी समेत अन्य 20 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया के द्वारा ज्ञापन दिया गया है पुलिस अधीक्षक महोदय को और पुलिस अधीक्षक महोदय ने आश्वस्त किया है कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करके और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। एसपी महोदय छतरपुर के द्वारा परिवार के सदस्यों को हम लोगों को आश्वासन दिया गया है के FIR में जो है उन तथ्यों के आधार पर त्वरित कार्रवाई के लिए और समय सीमा उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितने भी हैं सब फरारी की स्थिति में। देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी प्रशासन के साथ मैं तो साथ नहीं गया था, लेकिन सलमान के पिता, सलमान का छोटे भाई विक्रम सिंह जी, नाती राजा, आलोक चतुर्वेदी जी, नीरज दीक्षित जी, सब लोग साथ गए थे। वहाँ क्या निर्णय हुआ है ये आप उन्हीं लोगों से पूछ लीजिए। मैं तो परिवार के साथ हूँ। मैं जो इनका अभी कब्रिस्तान ले जाने का भी जो भी तय होगा उसमें मैं उनके साथ जाऊँगा। ये जो अभी एक प्रकरण यहाँ पे 300 लोग का दर्ज हुआ था थाना खजुराहो में, उसे लेके मृतक के परिजन और उनके साथ कुछ जनप्रतिनिधि यहाँ थाने में आए थे, जिसमें यहाँ मैं था और कल ADM साहब छतरपुर भी यहाँ उपस्थित थे। उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है इनकी सुरक्षा के लिए और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए। इस ज्ञापन को ले लिया गया है और उनको आश्वस्त किया गया है कि इसमें नियमानुसार जो भी वैधानिक कार्रवाई है शीघ्र।